मेडिकल अस्पताल में बीते 2 माह से फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करा रहे मुन्ना भाई को मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर ने गुरुवार को अजनी पुलिस के हवाले किया। मेडिकल अस्पताल में गुरुवार को डॉक्टरों ने ही एक मुन्ना भाई को पकड़कर अजनी पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने से वह मेडिकल में घूम रहा था और मरीजों का हालचाल जानने का प्रयास कर रहा था। आरोपी फर्जी डॉक्टर सिद्धांत जैन मूलतः अहमदाबाद निवासी है और वर्तमान में महल में रहता है। आज दोपहर को हमें मेडिकल डॉक्टर के सुपरिटेंडेंट इन्होंने फ़ोन करके बताया है कि मेडिकल हॉस्पिटल में पिछले 2 महीने से एक इसम बोगस डॉक्टर बन के वहाँ पर घूम रहा है और आज उसे वहाँ पे पकड़ा गया है डॉक्टर के हाथ से। ऐसी जानकारी मिलने के बाद में हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में गए तथा एक इसम को हमने ताबे में लिया है जिसका नाम है सिद्धार्थ मनोज जैन, उम्र 23 साल, रहना महल का है। वो डॉक्टर का ओटी का यूनिफॉर्म पहने हुए था, उसके ड्रेस के ऊपर में डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और MBBS की नेम प्लेट लगी हुई थी। जब उससे पूछताछ किया गया तब मालूम पड़ा कि वो डॉक्टर नहीं है और पिछले 2 महीने से वो हॉस्पिटल में आ रहा है और हॉस्पिटल में वो अलग अलग वार्डों में ओटी में घूम रहा है। और जब वहाँ के डॉक्टर उसको पूछताछ करते थे तो किसी को CMO बताता था, किसी को रेसिडेंट डॉक्टर बताता था, किसी को सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर बताता था, ऐसा अलग अलग वो जानकारी देता था। वैसे उसने वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने उससे पूछताछ किया तब उनको उसने ऐसा भी बताया, जब कोविड का पीक आवर था उस समय वो वहाँ पे डिजास्टर वार्ड में जब से आपके नमूने लेते थे तो वहाँ भी ये हाजिर रहता था। वो अभी हमने उसे गिरफ्तार किया है, एक डॉक्टर की फिरियाद पे से हमने उनके ऊपर गुनाह दर्ज किया है और अभी हम लोग उसका अगला तपास कर रहे हैं। उसकी माँ घर से मेस चलाती है। सिद्धांत को डॉक्टर बनना था लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उसका सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि उसने नर्सिंग का प्रशिक्षण लेना शुरू किया पर वह भी आधा अधूरा ही रह गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।